बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये ले रही हूँ ये प्लाजो, फिर आपको उसे फोल्ड करना है, फिर आप अपना कोई भी टॉप या कुछ भी रखे से मार्क करके उसे कट कर लीजिए। पर मैं इधर इंच टेप से मार्क करूँगी, पर अगर आपको इंच टेप से नहीं आता है तो आप यूजुअली भी मार्क कर सकते हैं टॉप रख के। फिर सबसे पहले मैं बेल्ट का पोर्शन निकाल के नीचे का पोर्शन यूज़ करूँगी, बेल्ट का पोर्शन हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी 7 इंच का मार्किंग, 7 इंच के बाद मैं ब्रेथ और लेंथ दोनों भी 7 इंच पर रख कर अपना हार्मोल है जो मार्क कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमें मार्क करना है एंड देन उसको आपको हार्मोल मार्क कर लेना होगा। आमूल मार्क करने के बाद सबसे पहले मैं अब नेक मार्क करूँगी, तो 2.5 इंच पे कट कर लूँगी और फिर मैं अपने साइड्स भी कट करूँगी। तो आपको आर्म होल, अपना नेक और अपना साइड्स भी सारी चीज़ें कट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं साइड कट कर ली हूँ, फिर उसे मैं एक के ऊपर एक रख के शोल्डर्स जो है स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है, फिर मैं जो अपना नेक को 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लूँगी और अपना आर्म होल भी 1 इंच अंदर डाल के उसे हेम कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्विंग मशीन की हेल्प से अपना आर्म होल और अपना नेक जो है मैंने हेम कर लिया। फिर हम अपनी साइज़ भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हमें अपनी साइज़ स्टिच कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर लिया। अब हमारा टॉप कुछ इस तरह दिखता है। हम बढ़ते हैं अपने बेल्ट पोर्शन की तरफ। तो हम अपना बेल्ट लेंगे और उसमें से एक छोटी सी पॉकेट कट करेंगे हमारे टॉप पे लगाने के लिए। तो 5 इंच का आपको बॉक्स बनाना है, लेंथ दोनों साइड की और दोनों साइड का ब्रेथ आपको 5-5 इंच रखना है और फिर उसका बॉक्स कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों भी 5-5 इंच करके उसका बॉक्स कट कर लिया है। बॉक्स कट करने के बाद मैं ये व्हाइट लेस लगाऊंगी ऊपर उसे और प्रिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं उसे अपने टॉप पे लगाऊंगी। तो टॉप पे आपको चारों बाजू ऐसे फोल्ड करके ताजनी लगा देना है, पिंस लगा देना है ताकि आपको स्टिचिंग में आसानी हो। तो यहाँ मैंने तीनों साइड आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम बेल्ट भी लगाएंगे हमारे टॉप में। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो तकरीबन 4 इंच का मैं बेल्ट कटिंग करूँगी और दोनों साइड हुक लगाने के लिए मैं ऊपर से भी 2-2 इंच का हुक के लिए बेल्ट कट करूँगी। तो ये हम साइड में लगाएंगे ताकि हम अपना बेल्ट उसमें डाल सकें। फिर आपको ऐसे फोल्ड करके एक स्टिचिंग दे देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपने बेल्ट में स्टिचिंग दे दी है, उसके फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है और दोनों साइड में आपको वो जो कटिंग है बेल्ट के लिए हुक के लिए लगाना है ताकि इसमें आप बेल्ट आसानी से डाल सकें। तो उसमें भी ताजनी लगा के आप दोनों साइड स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये बेल्ट हम उसके अंदर से निकाल के उसे बीच में एक नॉट दे देंगे और यहाँ पर मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है जैसे कि आप देख सकते हैं।